अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग भी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिद्दीकी फैमिली ब्लॉग्स में। और आज कितने रोज हो चुके हैं? 29 आज 29 रोज कम्प्लीट हो चुके हैं। और एक कल का लास्ट रोज होगा आई थिंक, कि 30 ही रोज होते हैं, 29 होते हैं, 30 होते हैं। तो अभी हमें पता चला है कि सऊदी में ईद नहीं हुई है, वो कल ईद होगी। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर ईद का डिसाइड होता है। तो आज यहाँ पर हमारे 29 रोजे कम्प्लीट हो चुके हैं और कल हमारे यहाँ पर चांदरात होगी और परसों ईद होगी। तो बस सभी ईद की तैयारी में लगे हुए हैं। और आज मुबारक दे रहे, मुबारकबाद। हाँ, नानी में भी करेंगे मुबारकबाद। तो मैं नानी में की मेहंदी लगाना शुरू करूंगी, स्टार्ट हम इनसे कर रहे हैं। तो आप ये बताएंगे आपको, मैं क्या बतलाऊंगी? मैं तो मेहंदी लगवाने के लिए सलाम करो और ईद मुबारक बोलो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो आपको सबको। और मैं मेहंदी लगवाने के लिए आई हूं अपनी धीवती से, और इंशाल्लाह अगले साल भी सबको मुबारक दे अल्लाह पाक। नानी मिकी वाला हाथ कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस वाले हाथ पे शुरू करेंगे। हमारी नानी मिकी मेहंदी लग रही है, फिर नानी मिकी के बाद इन नानी मिकी लगेगी, फिर इनके बाद बच्चन के लगेगी रम्मी के, फिर मेरी माँ, मेरी मोम तो रहेगी। मोम तो ही सबसे पहले तो मोम ही है, मोम फिर इनके लगेगी। और आज लगे तो लगे, वरना कल लगेगी। आज ही लगवा ली मेहंदी। दिखाओ सबको अपनी मेहंदी, क्यों लगवाई आपने? मैंने ईद के लिए, ईद हम आशा के लग जाएंगे। अच्छा, ईद पे जाओगे आप फ्रेंड्स के अपने? हाँ, दिखाओ पैर पर, दिखाओ। अरे वाह, पैर पे भी किसने लगाई ये तो बताओ? आपने। कैसी लगी है? अच्छी। थैंक यू, नहीं बोलोगे अपने को? ये लग गई है अरुषा के मेहंदी, और अरुषा बहुत खुश है ना अरुषा जी? हेलो, ईद मुबारक तो बोलो सबको। ईद मुबारक। हमारे बनाया है लेट नाइट पास्ता, थैंक यू इस्मा। वैसे तुम्हारा भी मन कर रहा होगा yes. तभी तुमने इतनी जल्दी बना लिया है ना? वैसे मेरा काफी मन था पास्ता खाने का, जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगा। चलो तो कोई बात नहीं, चलो अब खाते हैं। उठो तुम भी खाओ। कैसा है? यम्मी। यम्मी। अच्छा, थैंक यू उस्मा, यम्मी बनाया तुमने। ये वाला तुम्हारा सूट आ गया सिल का? ये वही थे ना जो टेलर पर गए हुए थे? अच्छा लग रहा है ये वाले कपड़े भी, कलर अच्छा है ये इसका, दिखाना दुपट्टा है ये, कमीज है ये, कुर्ता अच्छा है। और अब फ्रेंड्स देखिए, इस्मा लेकर आ गई है चाय। तो ये भी हमारी डिमांड पर इस्मा ने बनाई है, क्योंकि तो हमारा मन था पहले मैक्रोनी खाई, वो मैंने गलती से आपको पास्ता कह दिया तो वो मैक्रोनी थी, और अब ये है कचरी। कचरी कहते होंगे आप, क्या मुझे नहीं पता क्या बोलते होंगे, लेकिन ये चाय कचरी बनाई है। और ये मैडम लगी हुई है, और ये आज आहिदा को भी नींद नहीं आ रही है, अरुषा को भी नींद नहीं आ रही है, अरुषा के तो मेहनत लग रही है। और इसमें थैंक यू दोबारा से, एक बार फिर से थैंक यू, तुमने हमारी बात पे चाय और कचरी बनाई। अब खा भी ले, सारी ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी, चलो तो ठीक है खा लो। अब तुम कैसे खाओगी? तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी हुई, मेहंदी दिखाओ अपनी, सूख गई है? तुमने सब छुटा ली मेहंदी, बदतमीज लड़की ने। चलो आ जाओ, तुम भी चाय पी लो। मुझे मग वाला मेरा है ये, और ये सब आपकी है ना। चलिए खाते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो सुबह सहरी का टाइम हो चुका है, और ये लास्ट सहरी होगी रमज़ान की, और इसके बाद रमज़ान खत्म हो जाएंगे। और अभी हम यहाँ पे सहरी में सब मेहंदी लगा रही हूँ, मैं सबके मेहंदी लगा चुकी हूँ, और अभी फिलहाल ये बुशरा मैडम की मेहंदी लग रही है। और हम यहाँ पर मेहंदी के साथ साथ व्लॉग भी देख रहे हैं सबा आई मीन शोएब इब्राहिम का। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखा आपने, मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे, इनका व्लॉग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ये देखती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी मैंने कैसे लगाई।
देखिए ये रही मेहंदी जो मैंने बुशरा के लगाई है। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेहंदी कैसी लगी। अभी आगे बाकी है लगना, और बस इतना ही लगाया फ़िलहाल। और अरुषा को मैंने, अरुषा की मेहंदी दिखाई, इस्मा की नहीं लगाई। इस्मा, इस्मा की मैं आज लगाऊंगी ना, इस्मा तुम्हारी आज लगा दूँगी। आज चांद रात होगी ना, रात को शाम को लगाऊंगी तुम्हारे। अभी थोड़ी देर में सहरी के बाद बाजी के भी जाना है मेहंदी लगाने, हम दोनों को। तो बाजी के यहाँ पर भी जाएंगे, उनकी भी मेहंदी लगानी है। तो मैं आपको वहाँ पर भी दिखाऊँगी कि मैं उनको कैसे मेहंदी लगाने वाली हूँ। बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सहरी खाने के बाद। इस्मा क्या हुआ था अभी? बहुत ज्यादा देर से ही बताऊंगी तो आज भी गाइस बहुत बताती गाइस क्या हुआ था। अभी हाथ लगा मैंने पिछड़ा दी हूँ अल्लाह दिखाओ पैर का डिजाइन, दिखाओ अपने पैर का डिजाइन। ब्लॉग खत्म हो गया शोएब का, लाइक तो कर दो। इस्मा शहरी का वक्त हो गया, जाओ जल्दी जाके कुछ बना के लाओ, इसकी मेहंदी लगी हुई बुशरा की, फिर ये कुछ बना नहीं पाएगी। अभी शोएब का व्लॉग देख लिया, अब सभा का देखना है तुम्हें? नहीं, मुझे शोएब के व्लॉग को लाइक करो, लाइक मैं कर चुकी हूं। शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अरुषा के फोन से हमने आज ही देखा ना व्लॉग शोएब का, अपने फोन से देखते ना हमेशा। चलो जाओ, क्या बनाओगे बता दो तुम। आज मुझे बुशरवाजी ने बोला, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मतलब सैरी मैं पहली बार यूट्यूब पे बाजी उठती है, पर आज यहाँ तो मेहंदी लगी है, तो आज मैं किचन में क्या बनाऊंगी। पराठे, कौन सारे पराठे? जो नॉर्मली सब बनाते हैं, मतलब एक तो होते हैं ना आलू के पराठे या कोई और से, तो तुम कौन सा? सिंपल पराठा। चलो ठीक है, लेट्स सी के तुम कैसे बनाती हो। दाल से बहुत टेस्ट लगता है, रोटी अच्छी लगती है, चावल अच्छी लगता है, तो चावल फिलहाल थे नहीं, तो बाजी ने आइडिया दिया है कि पराठे बनाओ। चलो ठीक है, पराठे और जल्दी चाय भी रख देना, साथ के साथ में ना, ताकि सही से पक जाए, ताकि टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि टाइम देख लेना कितना होगा। टाइम ना 4 बजे सहरी खत्म हो जाएगी, 4 या 4:10 पर 10 जाओ। अस्सलाम वालेकुम, तो हम खा रहे हैं अभी अपनी सहरी। देखिए फ्रेंड्स, आज लास्ट सहरी है रमज़ान की, और फिर उसके बाद से जो रमज़ान की रौनक, रमज़ान का सहरी में उठना और सहरी करना, वो सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा याद आने वाली हैं। देखिए यहाँ पे ये सब सहरी खा रहे हैं। इस्मा कब खाओगी? टाइम भी तो हो गया है, क्योंकि लास्ट सहरी ना, थोड़ा सा ये होता है कि देखो मेहंदी, मेहंदी भी गिर रही होगी तुम्हें खाने में, मेहंदी नहीं गिर रही। चलो तो अच्छा, चलो इसमें तो बस ये हमारी सहरी है, सहरी खा लेते, क्योंकि टाइम कम है, तो मैं आपसे बात करती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मैं और इस्मा बाजी के यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए, तो बस मिलते हैं आपसे यहीं पर। मत चल रही है जी। चलो, 1 घंटे तक तुम्हारा काम ही नहीं पड़ता। लोग तो ले रहा ना, कहाँ है रखा, उठाओ। नेट खुद बंद कर लेना भाई, बंद कर देना। अब मुझे लॉक खोलना पड़ेगा ना, आ जा। 2 सेकंड रुकोगी? लुक, ये टी शर्ट मैंने अभी तक चेंज नहीं किया है, क्योंकि मेहंदी लगानी थी, तो इसलिए कपड़े वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए। हालांकि मैंने वाइट टी शर्ट पे कुछ लगाया नहीं है, पैंट पर लगा है थोड़ा सा दाग मेहंदी का, लेकिन ठीक है। दिख रहा है? तो कहाँ रह गई?
तुम्हारे साथ जाना है, नहीं कि अपने दिमाग में दर्द करना। नहीं वो बाजी को दर्द और काम पड़ गया था। जल्दी फटाफट लगाओ लोग अब। अस्सलाम वालेकुम, हाय। स्माइल तो करेंगे दोस्तों। फाइनली अब मैं आ गई हूँ घर पर वापस और बाजी की मेहंदी लगा दी है। वो वाला क्लिप नहीं ले पाई मैं आपको मेहंदी दिखाऊंगी। वो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पूरी रात हो गया है जगते जगते। और देखिए आईज़ में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ चुभ रहा है बहुत ज़्यादा, निकल नहीं रहा है। तो अभी आई ड्रॉप डालकर मैं सो जाती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी एक बज चुका है और काफ़ी टाइम हो गया है, हम सबको सोकर उठ गए हैं, हम लोग अजान भी हो गई है। तो मुझे लगा था कि सोने के बाद थोड़ा कुछ फ़र्क लगेगा आँख में और कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बिल्कुल भी एक सेकेंड के लिए भी सुकून नहीं मिल रहा है और कंटिन्यू पानी निकल रहा है आँख के अंदर से और बहुत ज़्यादा चुभन है, बहुत ही ज़्यादा चुभन, और समझ नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से कोल्ड भी हो गया है, बाजी के यहाँ पर जाकर बाजी ने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई कर रखा था एसी का, उससे कोल्ड हो गया है और ये प्रॉब्लम वहीं पे जाकर हुई है। पता नहीं अब कब ठीक होगी, क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आँख में। और अभी सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और मेरा आज ऑफिस का काम भी नहीं हो पा रहा है आँख की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो कुछ लैपटॉप पर या स्क्रीन पर कुछ भी मैं नहीं जोर दे पा रही हूँ, आँख की वजह से पानी निकल रहा है आँख में से। और बुशरा इस्मा वो सब लोग वहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में फिर हम मम्मी के पास जाएंगे, वहीं पर ही हम ईद सेलिब्रेट करेंगे, ईद। तो बस नमाज के बाद मिलते हैं आपसे। सब अपने अपने कपड़े डालो, नानी मम्मी के यहाँ जाएंगे कपड़े लेकर। तुमने उठा लिए अपने कपड़े? तुम्हारे कपड़े तो वैसे भी फिटिंग के लिए गए हुए हैं, तो हम बाजी के यहाँ पे जाएंगे तुम्हारे कपड़े लेने के लिए। चलो ठीक है। ईद मुबारक, चांद रात का दिन है बेटा, आगे गुरु सबके लिए दुआ करो कि आगे गुरु सबको वो मुसलमान भाइयों को अपने मुसलमान बंधु वो मुसलमान बंधु अल्लाह पाक सबको मुबारक, ईद मुबारक एवरीवन सबको। आज चांद रात मुबारक हो मेरी तरफ से, बहुत बहुत विश यू वेरी वेरी हैप्पी इन एडवांस, सेम टू यू। सलाम करो तुम भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत खुश हूँ ईद आई। मुकेश भी है क्या? बहुत खुश हूँ, आज चांद रात ईद मुबारक हो सबको, मेरी फैमिली को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज हमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपको तो लगता है कि कुछ दिनों में ईद आती है ना, सबको ईद मुबारक तो कहो। ईद मुबारक मेरी तरफ से सबको। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी टू यू एंड योर फैमिली। तो आप देख रहे हैं नम्रा भाभी के सहबाजी और अज्जुआजी दोनों मेहंदी लगा रही है ईद के लिए। क्या चांद रात है, कल को ईद है, ज्यादातर लोग चांद रात की रात को ही लगवाते हैं मेहंदी।